यही बात सुना था। सरकार होशे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु की कलामतों का चर्चा हुआ, लोग जो है हजरत होशे पाक की कलामतों को, उनके जिक्र को, उनके अज़कार को, उनकी तारीफों को, उनकी निशातों को सुने, तो एक शख्स क्या कहा, मैंने आप होशे पाक की कलामत देखूंगा। ये देखने के बाद से होशे पाक की बारगाह में आया, सरकार होशे पाक से गुजारिश किया, सरकार मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाह रहा हूं, आप इजाजत दीजिए तो मेहरबानी। वो तो लंगर खाना बना के रखे थे, खाना तो हमारी हमारे बुजुर्ग खुद खिलाते थे। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में रोजाना 15,000 आदमी खाना खाते थे, 15,000 आदमी डेली। हमारे लोगों से खाना हम लोग खाने खाते रहते, खाने का ही चेहरे दीवाने, तेरे जैसा खुलचना है, हंसने का है क्या मसला, समझा ही नहीं। अजीब कौम है भाई, अल्लाह और तुम कह दीजिए मतलब पका के देना उनके लिए, नहीं तो पका लेते क्यों नहीं जी। अजीब लोग है जी, तो समझते नहीं है जब तक। बहरहाल अल्लाह तौफीक दे, अल्लाह हिदायत दे लोगों को। सरकार मुझे पास रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में, बोले सरकार आपके पास रहना चाह रहा हूं। सरकार वैसे पा गए, अच्छी बात है, राजा बोलकर मुझे है लंगर खाने में जगह दे दिए, वो बेचारा गया लंगर खाने में रहता, खाली बस खाने के टाइम पे लंगर खाना जाता, बाकी का पूरा टाइम वैसे पा की खिदमत में रहता, 40 दिन रहा वैसे पा के पास। 40 दिन के बाद जो ना सरकार इजाजत दीजिए जाना चाहता हूँ, सरकार बोले मैं आए किधर जा रहे किधर, आए गए कुछ जा रहे कहीं कुछ, तो सरकार आपकी करामत बहुत सुना था सरकार, इतनी करामत सुना था, इतनी करामत सुना था, मुर्दों को ठोकर मार के जिंदा कर दे रहे, मुर्गी को जिंदा कर दे रहे, जो है ये कर दे रहे, वैसा कर दे रहे, छाड़ों के जो है कलमा पड़ा रहे, सारी चीजें सुना सरकार। वो देखने के वास्ते आया मेरे सरकार, तो मैंने देख लिया क्या पूछे, नहीं सरकार 40 दिन तो एक भी करामत नहीं थी, आज जीती कल दिखती में 40 दिन गुजर, एक भी करामत नहीं थी, इसलिए जान सरकार। तो सरकार होशे पाक इरशाद फरमाए, क्या तुमने 40 दिन में कभी मुझे नमाज छोड़ते हुए देखा है? सुभान अल्लाह। सरकार मैंने कभी आपको नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। तो बोले क्या कभी 40 दिन में तुमने मुझे तकबीर उला को छोड़ते हुए देखा है? बोले सरकार मैंने आपको कभी 40 दिन में कभी तकबीर उला को भी छोड़ता हूँ, अल्लाह अकबर वाली तकबीर को, तकबीर तहरीमा को छोड़ते हुए नहीं देखा। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया क्या तुमने कभी मुझे 4 घंटे से ज्यादा सोते हुए देखा है? तो नहीं सरकार। क्या तुमने 40 दिन में कभी मुझको जो है बदकलामी करते हुए या बुरी बात करते हुए या लोगों का दिल दुखाते हुए देखा है? तो बोले सरकार नहीं देखा। तुम्हें फरमाया खुदा की कसम इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए, इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए कि जिसकी तकबीर उल्ला भी फौत ना होती हो, जिससे कभी नमाज में खता ना होती हो, खुदा की कसम इससे बड़ी करामत और क्या चाहिए। प्यारे मित्रों दोस्तों, ये हमारे औलिया अल्लाह नमाज पढ़ते जमात एक तरफ, गरीब नवाज की नमाज एक तरफ, पूरी कायनात के नमाजियों की नमाज एक तरफ, और से आजम के 40 साल के जंगलों की नमाज एक तरफ, पूरी कायनात के जमात वाले गुलगांव की नमाज एक तरफ, गुलबर्गा वाले पत्ता नवाज की नमाज एक तरफ, सारी कायनात के जमात वाले जमातियों की नमाज एक तरफ, हमारे बुजुर्ग जैसी नमाज पढ़े वैसा कौन पढ़ सकते मेरे भाई। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से जो है फरमाया गया, दादा पीर हुजूर सैयदना जुनैद बगदादी रजी अल्लाह तआला अन्हु की इरशाद थी कि जब आप नमाज पढ़ते थे तो रोजाना 400 रकअत नमाज नफिल पढ़ते थे। कितने रकअत? 400 रकअत नमाज नफिल डेली पढ़ा करते थे। और अगर वो भी नमाज कैसी थी, अगर पूरी नमाज के दरमियान में राय बराबर का भी दुनिया का ख्याल आया तो वो नमाज को काउंट नहीं करते, दोहराते थे, काउंट नहीं करते। ऐसी इबादत करने वाली जात का नाम जुनैद बगदादी है, और जुनैद बगदादी जिस जमात में रहता है उस जमात का नाम अहले सुन्नत है।